सो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से माइंड कार्ज में। तो मैं फिर से हाजिर हो चुका एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ गुड बाय माय प्रिंसेस चाइनीज ड्रामा के बारे में, जो कि एमएक्स वेब पर रिलीज किया गया है। तो ये ड्रामा कैसा है, आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने को मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, बात कीजिए ड्रामे के बेसिक्स के बारे में। तो ड्रामे को 8.3 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10, और इस ड्रामे के अंदर आपको टोटल 52 एपिसोड देखने मिलते हैं, जिसमें से 20 एपिसोड हिंदी में डब करके प्रोवाइड कर दी गई है। बाकी के जो एपिसोड है आपको वीकली ट्रम्प पे देखने को मिल जाएगी। ड्रामे की स्टोरी बेस्ड है लियांग राजवंश की 9वीं राजकुमारी, जिसका नाम होता है सियाओ फिंग। सियाओ फिंग के शादी बीजिंग के राजकुमार के साथ तय किया जाता है, ताकि दोनों ही राज्य में मतलब शांति बनी रहे। लेकिन जो सियाओ फिंग है, उसे मतलब वो शादी वहाँ पे करना पसंद नहीं होता, क्योंकि वो किसी और को पसंद कर रही होती है। लेकिन कुछ ऐसे हालात होते हैं जिसके वजह से उसे शादी करनी पड़ती है। अब देखने ड्रामा में यही है कि शादी के बाद क्या सारी चीज़ें होती है, और किस तरह से उसकी लाइफ में मतलब बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, और किस तरह से वो उन सभी से लड़ती है। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपको इस ड्रामे को अंत तक देखना पड़ता है। तो अब अगर बात कीजिए इस ड्रामे के डबिंग के बारे में, तो बाकी ड्रामे से डबिंग इसकी अच्छी लगी, और इसकी स्टोरी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा है। जिस तरह से मतलब इसमें मल्टीपल स्टोरी दिखाई जाती है, जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया है, वो बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ इसमें जो क्रिकेट डेवलपमेंट देखने को मिलती है, और जो केमिस्ट्री आपको देखने को मिलती है, वो कतई जबरदस्त है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट फील करते हो। लेकिन हाँ, ड्रामे के जो शुरुआती के 4-5 एपिसोड है, उसमें आपको थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआती के 4-5 एपिसोड में आपको बहुत ही नॉर्मल स्टोरी दिखाया जाता है, जैसे कि मतलब आप बाकी के चाइनीज या फिर कोरियन ड्रामे में, हिस्टोरिकल कोरियन चाइनीज ड्रामे में देखा हो, बिल्कुल उस तरह से दिखाया जाता है। तो इसलिए शुरुआती के 4-5 एपिसोड में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मतलब इस ड्रामे के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होगा। ड्रामा के अंदर आपको एक्शन सीक्वेंस देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ आपको पॉलिटिकल एंगल देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको इसमें रोमांस भी देखने को मिलती है। सबसे अच्छी बात ये है कि इस ड्रामे के अंदर आपको लव ट्रायंगल देखने को मिलता है, जो कि आपको इस ड्रामे को देखने के लिए थोड़ा सा उत्साहित रखता है कि आप इस ड्रामे को देख सको। ड्रामे में कुछ अच्छे बुरे सीन्स भी है, जो कि आपको कहीं पे अच्छा भी फील कराता है, तो कहीं पे आपको बुरा भी फील कराता है। ड्रामे की जो स्टोरी प्रेजेंटेशन है ठीक ठाक है, कैमरा वर्क और सिनेमेटोग्राफी ले लो या फिर जो भी लोकेशंस वगैरह है, वो सारी चीज़ें बहुत ही परफेक्ट। सो यदि आपको एक पॉलिटिकल ड्रामा देखना पसंद है, जिसमें एक्शन हो, रोमांस हो, लव ट्रायंगल हो, तो ये ड्रामा आप देख सकते हो, जो कि एमएक्स प्लस पे हिंदी में अवेलेबल है। लेकिन हाँ, फिर से कहूंगा कि 4-5 एपिसोड तक आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको इस ड्रामे के अंदर आपका मतलब जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होना स्टार्ट होगी। तो यदि आपने इस ड्रामे को देख लिया है तो मुझे कमेंट करके बता देना, और नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हो, ये ड्रामा आपको एमएक्स पे मिल जाएगी। तो बस इतना ही, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।